फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम क्लास 9th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 21.1 का 5th क्वेश्चन से हम बताएंगे। तो 5th क्वेश्चन है, फॉर एन इवेंट ई इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 3/7 देन फाइंड पी ई डैश। अब हमें यहाँ पे पी और ई पे बार लगा हुआ है तो इसको फाइंड करना है हमें। हम इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है पी ई उसके ऊपर बार है इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 1 प्री प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इसकी। इक्वल टू 1 हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, कितना दिया गया है 3/7 दिया गया है, तो यहाँ पर 3/7 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 7 आ जाएगा, 7 - 3 तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/7, और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन है, इन अ पैक ऑफ कार्ड्स फाइंड द नंबर ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे कार्ड की बात हो रही है कि कार्ड में रेड कलर के कितना नंबर होते हैं। तो कार्ड यानी ताश होता है, तो ताश में क्या होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52 होते हैं। उसमें से जो ईच सेट होते हैं 13 कार्ड सब में होते हैं, ईच सेट हैज़ 13 कार्ड, और हमें क्या चाहिए रेड कलर चाहिए। उसमें डायमंड और हर्ट के पास 13 13 हो गए और दोनों रेड कलर का होता है, तो यह 13 + 13 = 26। तो नंबर ऑफ रेड कलर कितने आ जाएंगे 26। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ईच सेट के पास कितने होते हैं 13 कार्ड होते हैं, और उसमें से डायमंड और हर्ट के पास भी 13 कार्ड होंगे क्योंकि दोनों रेड कलर के होते हैं। अब हमें यहाँ पे रेड कलर का नंबर पूछा गया है तो यहाँ पे 13 + 13 = 26 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ रेड कलर, तो द नंबर ऑफ रेड कलर इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो आप लोग ताश देखे होंगे, उसमें क्या होता है ईटा और पान होता है, और दोनों क्या होते हैं रेड कलर के होते हैं, और वही हमें यहाँ पे बताना है कि रेड कलर के कितने नंबर होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि ईच सेट हैज़ 13 कार्ड होते हैं, तो पान के पास भी 13 होंगे और ईटे के पास भी 13 होंगे, तो रेड कलर कितने हो जाएंगे 13 + 13 दैट मीन्स 26 यहाँ पर रेड कलर आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 7th क्वेश्चन है, अ क्वाइन इज टास्ड 100 टाइम्स विथ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, हेड इक्वल टू 45 टाइम्स, टेल इक्वल टू 55 टाइम्स, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो यहाँ पे हमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यानी क्या लिख देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसको कैसे निकालते हैं, पहले ऊपर क्या करेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बार ट्रायल किया गया, और फिर नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल कितने बार ट्रायल किया गया 45 बार ट्रायल किया गया, तो 45 हो गया अपन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 100 टाइम्स हैं, तो यानी 100 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.45। तो यहाँ पे हमें हेड को लिए कहा कि इसने हेड के निकाल दिया, और टेल का कहा होता तो ये भी क्या हो जाता 55/100। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया।